वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आ रहे हैं गोलम बनाने वाले हैं। इसके अंदर जो आपको देख सकते हैं हमारा हाइट, हम लोग लेके आ रहे हैं पूरा 10 का। हम लोग 10 का लेके आ रहे हैं, आप चाहे तो 5 का भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर भी अच्छा रहता है। 10 में आपको अच्छे से वर्क करेगा ये इसके लिए। और आप अभी दोनों सब साइड से 8-8 का रखने का आपको, मतलब पीछे से लंबाई में भी 8 और चौड़ाई में भी 8, मतलब 8x8 रखने का पूरा। अब हम 8x8 कर रहे हैं इसको, 8x8 का, अभी 8x8 का करना है इसको फटाफट। हाँ फ्रेंड्स, हम लोग इधर से देख सकते हैं, अभी लेके जाएंगे, किधर से लेके जाऊं, अभी इधर से जाता हूँ मैं। और इधर से देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी आप इधर से भी 8 का लेने का है। पहले इधर मैं 8 का बनाता हूँ फटाफट। 1 2 3 4 6 7 8 8 हो गया। अब और फ्रेंड्स, अब इधर से भी आपको 8 का लेके जाने का है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फ्रेंड्स, इधर भी मैंने 8 का लगा दिया है। और फ्रेंड्स, अभी बाजू से भी आपको 8 का लेके जाने का है, क्योंकि मैं जा जाता हूँ उधर तक, फिर कितने का डर रहता है ना, फिर डैमेज आपको फ्रेंड्स 8 इसमें नहीं मिलेगा। इतना टॉर्च लगा जाता, स्पॉन ना आ जाए कोई। कॉपर स्टोन है, हाँ है थोड़ा बहुत। चलो इंडस्ट्राइड भी ले लेता हूँ, सब ले लेता हूँ जितना भी सामान है। अब चलो इस साइड भी 8 का रखने का है, मैं इधर से ले लेता हूँ। चलो मैं इधर से जा पाऊँगा, हाँ जा पा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, मैं इधर से भी 8 का लूँगा सीधे से, इधर ब्लॉक कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ, जाने आने के लिए सही रहेगा। 2 हो गया, 3 इधर क्यों, आपको इधर से भी सामने से भी रखने हैं। 4 5 6 7 8 हो गया, ऐसे 8, हाँ उसको 8 हो गया मेरा 8। अब फ्रेंड्स, अभी जैसे भी आपको 8 का रखने का, इसके लिए थोड़ा बहुत फटाफट 8 का करता हूँ मैं। अभी रुको जरा, ये लग नहीं रहा है, नहीं हो गया ऐसे 8, हाँ हो गया गिर लिया था। अब फ्रेंड्स, अभी इसको पूरा आपको फिल करने का, 8 को पूरा सब साइड्स का 8 का फिल कर देने का पूरा अच्छे से। मैं फटाफट फील करता हूँ। चलो फ्रेंड्स, अब थोड़ा फील करने बाद मिलता हूँ आपसे। इस ज़ॉम्बी किधर से आ जाता है, किधर भी इसमें स्पॉन हो जाते हैं, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फील कर दिया पूरा। अब फ्रेंड्स, आपको इसके ऊपर भी एक ब्लॉक जाने का है, एक ब्लॉक, बस एक ब्लॉक जाने का है, क्योंकि मैं जाता हूँ एक ब्लॉक ऊपर, एक ब्लॉक अभी चढ़ाई ऐसे, और उससे एक ब्लॉक चाहिए, 6 ब्लॉक ऐसे, मतलब 6 6x6 चाहिए, सब जगह 6x6 करना है आपको, मतलब आपको 6 ब्लॉक आगे जाने का इसके। अभी हो गया 6 ब्लॉक, इधर मैं आ चुका हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं 6 ब्लॉक इधर लगा दिया हूँ। अब मुझे सब साइड ऐसे 6 ब्लॉक में लगा देने का है, देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने 6 ब्लॉक का लगा दिया। और अभी आपको ऊपर का 2 हाइट रखने का है, 2 ब्लॉक और ऊपर रख देने का है, 2 पूरे साइड को कवर अप कर देंगे 2x2 से, 2x2 से कवर अप कर देंगे। चलो मैं फ्रेंड्स, मैं कर रहा हूँ फटाफट और कवर अप भी, कि मैं सीन ज़्यादा इसके लिए नहीं दिखा रहा हूँ, कि बहुत टाइम लगा हम लोग को करने में, बनाने में, इसके लिए वर्किंग में बहुत टाइम लगता है इसके लिए, बहुत। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मेरे को अभी मैं ज़ॉम्बी बोल रहा हूँ, विलेजर्स के लिए अभी हम लोग यहाँ पे प्लेस बना रहे हैं, जिससे स्पॉन हो सके, बोल लो स्पॉन बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग इधर बेड रखेंगे सब लोग विलेजर्स का, यहाँ पे सब लोग के लिए। और आपको 5x5 रखने का इसको, एकदम से 5x5 का पूरे प्लेस को, सारे साइड से 5x5, फटाफट बनाता हूँ 5x5 इसको।
कितना टाइम लगेगा। हाँ अब फ्रेंड्स अभी चलो अभी देख सकते हो फ्रेंड, मैं सारे बेड मैंने पहले ही बना के रखा हूँ, आप भी पहले बना के रखे सारे बेड, 10 से तो ऊपर ही बनाइए, क्योंकि 10 बेड तो चाहिए होते इस आयरन फार्म के बनाने के लिए। पहले बता देता हूँ कि आपको उस शिप्स को बहुत मारना पड़ेगा और शिप्स के ऊन्स बहुत कलेक्ट करने पड़ेंगे। शिप्स को मारने होते ऊन ही कलेक्ट कर लीजिए आपके पास, वो ना शेयर ना हो दो। अब आपको है ना, मैं जैसे रख रहा हूँ वैसे ही आपको बेड्स रखने हैं, और कैसे मत रखिएगा बेड्स को। देख सकते हैं मैं बेड्स का मुंह उधर कर रहा हूँ, तो आपको उधर ही मुंह रखना पड़ेगा इसको। फटाफट मैं बेड्स को रख देता हूँ, देख सकते हैं इधर मैंने बेड रख दिए, ऐसे 5 बाय 5 बेड इधर रख दिए, और 5 बेड मैं इधर रखूँगा। गिर गया, चलो चलो वापस चलो। कभी हो जाती है फ्रेंड्स मिस्टेक्स। सही लगाया मैंने, देख रहा था फ्रेंड्स सही लगाया कि नहीं, चेक करना जो कह रहे फिर से क्या हो रहा है, चढ़ नहीं पा रहा, क्या प्रॉब्लम आती है। पहले उस इनको लगा देता हूँ, बाद में लगाऊंगा उसको। अब ये एक्स किधर गया मेरा, एक्स दिख नहीं रहा किधर गया, चेस्ट में, चेस्ट में रख डाला। हाँ मिल गया एक्स, अरे हाँ पिक एक्स, सॉरी एक्स बोल रहा हूँ, पिक एक्स मिल गया। अभी इधर भी एक बेड रख देता हूँ, और अभी सामने भी एक बेड रखना है, वो बाद में रखूँ क्या, अभी रख दूँ, बाद में रखता हूँ, क्योंकि अभी मैं आने जाने के लिए अभी ग्लास भी लगाना है, अभी विलेजेस पहुँचाने मेरे को फटाफट। देख सकते हैं फ्रेंड्स, वो मैंने सीन रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि बहुत टाइम लगा था हम लोग को, 1-2 घंटा लग गया था पूरा सारे विलेजेस को इधर लाने में अच्छे से। और अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपको पूरा कवर अप कर देने का है विलेजेस को ग्लास से एकदम से, क्योंकि सब विलेजेस को मतलब कि दिखना नहीं चाहिए, बाहर ना पाए दिखना है मतलब, बोल रहा, और आप खुद देख पाए इसके लिए आपको विलेजेस को कि ग्लास से कवर अप करना, आप देख सके इसके लिए, देख सकते हैं। और आप स्टोन भी लगा सकते, एक्स्ट्रा बेड जरूर लगाएगा फ्रेंड इसके अंदर, क्योंकि आपको फायदा होगा कि है ना, मतलब एक्स्ट्रा बेड लगाने से स्पॉनिंग स्पीड इन लोग का बढ़ जाता है आयरन गोलम्स का, कि मैंने देखा है इसका, देखिएगा मेरा स्पॉनिंग स्पीड, स्पॉनिंग बोल रहा हूँ इसमें, स्पॉन देखना मैं कितनी स्पीड में होंगे आयरन गोलम्स, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बेड भी लगा रहा हूँ ना इसके अंदर। आप जरूर चेक करें रात को एक बार, तो जरूर चेक करिए कि ये लोग सोते हैं कि नहीं सारे बेड पे, क्यों जरूरी है सारे बेड पे ये लोग सोने चाहिए। इसके लिए मैंने एक और लेयर बिछा दी है, 6 की कर दी एक साइड, ये आप भी कर सकते हैं। आपको जब बेड एक्स्ट्रा बिछाने, तो आप जरूरी नहीं 5 के ऊपर ऊपर वाली साइड भी बिछा सकते हैं बेड, तो उस पर भी कोई परेशानी नहीं है। अब मैं सब जगह ग्लास लगा रहा हूँ फटाफट, देख सकते हैं फ्रेंड मैंने सब जगह ग्लास लगा दिया यहाँ पे अच्छे से। कि देख सकते हैं अभी आपको इनको जॉब देना भी कंपलसरी है फ्रेंड्स, ये मैं बताना भूल गया था आपको, कि जॉब नहीं दोगे तो ये लोग है ना यहाँ पे डिस्पॉन हो जाएंगे, और बाद में यहाँ पे आयरन गोल्डन स्पॉन नहीं होंगे। आप मैं सस्ता सबसे अच्छा बोलता हूँ, आप ये यूज़ कीजिए, लूम यूज़ कीजिए, सबसे सस्ता लूम होता है, और भी चीज़ें होती है फ्रेंड्स, नहीं तो आप और भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, लेक्टन तो नहीं, लेक्टन बहुत महंगा पड़ जाता है। और भी देख सकते हैं अभी मैंने अनलिमिटेड वाटर सोर्स ऊपर बना लिया, क्योंकि आपको वाटर पूरा अनलिमिटेड डालने, अरे वाटर सोर्स यहाँ बनना है कि वह आपको सब जगह डालने का पूरा अनलिमिटेड बोल रहा हूँ, सबको फ्लो बनाने का, कि आपको नीचे जो गड्ढा बना रहे हैं हम लोग स्टार्टिंग में जो गड्ढा बनाए थे ना, जिसके अंदर वो लोग गिरने चाहिए सारे सारे आयरन गोलम्स,
इसके लिए मैं सब जगह पूरे प्लेस के अंदर आप डालने वाला हूँ वाटर, और कॉर्नर में बिल्कुल मत डालिएगा, क्योंकि जैसे मैंने कॉर्नर में डाला हुआ है, देखिए फ्रेंड्स मैंने ऊपर डाला हुआ है, एक लेवल ऊपर, इसके लिए आपको डालना है एक लेवल ऊपर डाल के जरूर बनाइए उसे, और नीचे। और चलो फ्रेंड्स अभी पूरा पानी डालने के बाद मैं मिलता हूँ। हाँ फ्रेंड अभी पानी, चलो इतना काफी। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरा पूरा आर्यन फार्म तैयार हो चुका है, नहीं ऐसे अभी बोल नहीं सकता क्योंकि अभी मेन चीज बाकी है, हॉपर सेट करना और चेस्ट लगाना और लावा डालना, बस इतना ही बाकी है, बाद में आयरन कॉलम वर्किंग कंडीशन चालू हो जाएगी इसकी, चेस्ट वैस बाहर आ जाएगा, वो लोग बाहर गिरेंगे तब। फटाफट मेरे को बनाना पड़ेगा उससे पहले, एक रात होने से पहले, कि ये लोगों। और फ्रेंड्स एक बता देता हूँ, फर्स्ट डे को नहीं काम करेगा नहीं ये आयरन गोलम आपका, क्यों फर्स्ट डे को जब तक वो लोग अपना एक दिन उन लोगों को बिताने के बाद ये काम करेगा, इसके लिए मैं फर्स्ट डे अभी तक इसके लिए अब तक आयरन गोलम स्पॉन नहीं होंगे, अगले डे से स्पॉन होना यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं। चलो अब देख सकते, अभी फटाफट में लगाता हूँ हॉपर से, अभी फ्रेंड्स हॉपर नहीं, ये तो बिल्लियाँ स्पॉन होना, और फ्रेंड्स जितनी आपको ऐसा देखे बिल्ली स्पॉन होना स्टार्ट हो गई उधर ज़्यादा जल्दी, तो ये देखिए आप आयरन गोलम वर्किंग कंडीशन पे आ चुका है, क्योंकि बिल्लियाँ वहाँ पे स्पॉन हो रही है, उसका तल होता है आपका आयरन गोलम स्पॉन होने वाले जल्दी। अब देख सकते हैं मैं इधर अभी चेस्ट डाल रहा हूँ, नहीं एक लेवल ऊपर डालता हूँ चेस्ट, यहाँ पे अच्छा दिखेगा नहीं। हाँ चलो अभी इधर चेस्ट सकता हूँ अभी, चलो एक तोड़ लेता हूँ, इससे अच्छा वो सही रहेगा मेरे को। चलो अभी इधर हॉपर लगा देता हूँ, अभी हॉपर लगाऊँ अभी लगा ले, इसके ऊपर लगाता हूँ क्योंकि लगेगा नहीं हॉपर ये। चलो हॉपर इधर है, और फ्रेंड चार हॉपर लगा देना, चार हॉपर बनाना है आपको इसके लिए फट, और चार टेस्ट भी कर लेना कि ये हॉपर में ही सामान गिर रहा है कि नहीं गिर रहा, कि उसका आपको प्रॉब्लम हो तो हमें मत बोलना बाद में, कि बाद आप पूछोगे कि वर्किंग नहीं है, वर्किंग नहीं है, इसके लिए जरूर चेक करिए कि हर एक ऑफर में सामान गिर के कि आपका सामान कहाँ जा रहा है, और फालतू सामान गिरिएगा कि मतलब कि आपका नुकसान ना हो जाए। देख सकते मैंने चार ऑफर लगा लिए हैं, मेरे को मालूम है वर्किंग है, फिर मैं चेक करूँगा नहीं, फिर मैं चेक कर चुका हूँ सबको, उसी दिखाना क्या है। अभी मैं यहाँ पे साइन बोर्ड इसके लिए लगा रहा हूँ, लावा डाल लूँगा इसके ऊपर एक लेवल ऊपर, उन लोगों का तीन लेवल फ्रेंड्स और तीन लेवल होता है, वो क्या बोलते हैं आयरन गोलम तीन लेवल पे होते हैं, इसके लिए तीन लेवल शायद से मेरे को तीन लेवल ऊपर दो लेवल का लगाना चाहिए कि नहीं, सोचो एक ही लेवल का लगाओ बाद में देखता हूँ, पहले लावा लेके आता हूँ। चलो ऊपर जाना है, अब तोड़ना पड़ेगा लग रहा है, शायद से बाहर जाने के लिए मुझे तोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो सीढ़ी टाइप बना के बाहर निकलना पड़ेगा मेरे को, ऐसा तो निकल नहीं पाऊँगा, अरे अटक गया पूरी तरह से इसके अंदर। तो चलो बाहर जाता हूँ, लावा भी लेके आने, लावा भी नहीं मेरे पास, ये लेके आया फ्रेंड्स मैं अभी लावा, फ्रेंड्स मेरे को आप आपको मालूम रहेगा हमारे इधर एक लावा कुंड है जिसमें मैं लावा लेके आता, अरे वो उधर नहीं साइड में लग। और चलो, और फ्रेंड्स मैंने वो चेंज कर दिया है, वो क्या बोलते हैं साइन बोर्ड्स मैंने सिर्फ एक सिंगल लगाया इसके लिए, बाद में फ्रेंड्स अब मेरा आयरन गोलम जल्दी वर्क करने वाला है, कि अभी एक डाई हो चुका है, वर्किंग स्टार्ट भी हो गया फ्रेंड्स, कि एक दिन ख़त्म हो गया जब मैं वापस आ रहा था, जब तक रात हो गई थी इसके लिए मैं दिखाया नहीं आपको। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं अभी आपने मेरा एक आयरन गोलम में स्पॉन हुआ था एक आयरन गोलम, अभी फ्रेंड्स देख सकते हैं वापस दूसरा एक और हुआ, इसे देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना वर्किंग है। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।